वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसके पहले हमने पढ़ा था सीक्वेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने देखी, उसके बाद हमने उसके ऊपर के इंपॉर्टेंट थ्योरम किए थे और कुछ लिमिट्स के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोनोटोन सीक्वेंस। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो उसी को हम बोलते हैं मोनोटोन सीक्वेंस। तो इसकी क्या एक खासियत है तो ये आज हम देखेंगे, और मोनोटोन सीक्वेंस के ऊपर की थोड़ी थ्योरम है वो थ्योरम देखेंगे और उसके ऊपर सारे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने इसके पहले के कुछ टॉपिक आपके मिस हुए होंगे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मोनोटोन सीक्वेंस। मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस विच इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज सेड टू बी मोनोटोन सीक्वेंस। ठीक है, तो उसको समझने से पहले देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन, अ सीक्वेंस SN इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ SN प्लस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू SN फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर के लिए अगर सीक्वेंस के आगे की टर्म SN है और इसके बाद SN प्लस 1, अगर SN प्लस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू SN देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। ठीक है ना, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं। SN प्लस 1 इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस SN इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। इसका मीनिंग अगर हम देखें तो क्या होगा, S1 से बड़ा क्या होगा उसके आगे की टर्म, मतलब S2, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू S3, ग्रेटर देन इक्वल टू S4, इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो यही तो आपसे मिला है, SN इज ग्रेटर देन इक्वल टू SN प्लस 1 फॉर ऑल नेचुरल नंबर लिखा है। ठीक है ना, फॉर ऑल नेचुरल नंबर लिखा है यहाँ पे, इसलिए सारे नेचुरल नंबर के लिए इंक्रीजिंग होता रहेगा। तो वैसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो उसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, SN प्लस 1 माइनस SN ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर हो गया तो सीक्वेंस क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो इसको हम नोटेशन क्या लिखेंगे, इसका नोटेशन लेंगे हम सीक्वेंस SN इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इंक्रीजिंग के लिए हम एरो लिखेंगे ऊपर। ठीक है, सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर इसका एग्जांपल देखना है तो मैं ले लेता हूँ, समझ लो जी एन स्क्वायर ले लिया मैंने, तो क्या होगा ये 1 स्क्वायर 1, फिर 2 स्क्वायर 4, फिर 3 स्क्वायर 9, इस तरह से दिख रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है नहीं। SN प्लस 1 हर एक टर्म S1 1 है, फिर S2 4 है, फिर 9 है, इस तरह से इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, तो सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इन पर्टिकुलर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, इसी तरह से फिर सीक्वेंस डिक्रीजिंग कब होगा, सीक्वेंस डिक्रीजिंग कब होगा उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी डिक्रीजिंग, अभी इस पर हम पढ़ रहे डिक्रीजिंग, तो क्या होगा, आगे की टर्म पीछे की टर्म से क्या होगी, छोटी होगी। देयरफॉर SN प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू SN। ठीक है, इसकी आगे की टर्म है इससे छोटी हर एक नेचुरल नंबर के लिए, तो इसी का मतलब SN प्लस 1 इधर आ गया तो क्या होगा, माइनस SN लेस देन इक्वल टू 0। तो जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब ये यूज करेंगे, तो सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका नोटेशन कैसे लिखेंगे, SN इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, इसलिए एरो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल देखना है तो जो हमने सीक्वेंस ली थी 1/n, ये क्या हो जाएगी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। देख सकते हैं आप, पहला है 1, फिर क्या आ गया 1/2, फिर 1/3, 1/4, इस तरह से ये डिक्रीज होती जा रही है ना, ये है 1, फिर 0.5, फिर 0.33, 0.25। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं ना, 1 इज ग्रेटर देन 1/2, ग्रेटर देन 1/3, ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पीछे की टर्म से क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है, इससे लेस है। ठीक है, तो सीक्वेंस अगर यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रही, जैसे अगर यहाँ तो भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, अगर ये यहाँ यहीं पे अगर ये लेस देन इक्वल टू है, अगर ये स्ट्रिक्ट साइन रही यहाँ पे, स्ट्रिक्ट साइन ली, तो हम बोलेंगे इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसी तरह उसको बोलेंगे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर वहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रही तो।
ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बोलने के लिए स्ट्रिक्ट लगे या रहे तो स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो मोनोटोन सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस विच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज सेड टू बी मोनोटोन सीक्वेंस। तो इसी को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इतना इंपॉर्टेंस है? तो देखिए, अगर सीक्वेंस क्या है, मोनोटोन है, मतलब आइदर वो इंक्रीज होगी नहीं तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हम कौन से सीक्वेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस को। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है, सक्रेस अगर इंक्रीज हो रही है और उसको अगर मैं कुछ बाउंड्री लगा दूँ, मतलब बाउंड अगर लगा दूँ, तो वो कहीं इंक्रीज तो होती जाएगी, पर अगर उसको कोई बाउंड्री रहे तो उसके आगे वो जा नहीं सकती, तो वही वो कहीं जाके रुक जाएगी, मतलब कहीं जाके वो कॉन्वर्ज करेगी। ठीक है, अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कम कम होते जा रही है, ठीक है, और मैं उसको अगर बाउंड लगा दूँ, मतलब अगर सीक्वेंस बाउंडेड भी हो जाए तो डिक्रीजिंग है, तो अगर बाउंडेड बिलो है तो कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगी नीचे से, तो वही जाके वो कॉन्वर्ज हो जाएगी। तो इसका मतलब जो मोनोटोन सीक्वेंस है वो आइदर कॉन्वर्ज करेगी और डाइवर्ज करेगी, पर कभी ऑसिलेट नहीं करेगी। इसके पहले हमने देखा था ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस में मतलब वो इधर उधर उछलती रहती है। जैसे हमने सीक्वेंस लिया था पिछले के एग्जाम्पल में, हमने लिया था सीक्वेंस -1 to the power n, ये लिया था, ये क्या हो रहा था, -1 1 -1 इधर उधर से उछल रहा था, ना ये इंक्रीज है, ना ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ना ये डिक्रीजिंग है, ये ऑसिलेट होते जा रहा है, तो ये हमेशा डाइवर्जेंट होता है। ठीक है ना, तो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस इज ऑलवेज डाइवर्जेंट। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस आइदर कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस, और हमने जो अभी डिस्कशन किया है वहाँ से क्या पता चला है कि अगर मोनोटोन सीक्वेंस बॉन्डेड हो गई तो क्या हो जाएगी, कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो वही आपका नेक्स्ट थ्योरम, मोनोटोन कॉन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक है, उसे लिखते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसके ऊपर के आज क्वेश्चंस करेंगे दो तीन, उसके ऊपर का जो प्रूफ है मोनोटोन कॉन्वर्जेंस थ्योरम का, वो प्रूफ मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। आज हम उसके ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए मोनोटोन कॉन्वर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट, अ मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कॉन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंड। जैसे मैंने बताया था कि जो मोनोटोन सीक्वेंस है रियल नंबर का, वो कॉन्वर्जेंट कब होगा, जब वो क्या हो, बॉन्डेड हो। अगर वो बॉन्डेड है तो कॉन्वर्जेंट होगा, अगर वो मोनोटोन सीक्वेंस है तो। मतलब आप बस इतना ध्यान में रखिए कि मोनोटोन सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट कब होगा, जब वो बॉन्डेड है। जैसे मैंने बताया मोनोटोन इंक्रीजिंग है, तो ऊपर से अगर बाउंड लग गया तो वही जाके रुक जाएगा, और मोनोटोन डिक्रीजिंग है तो नीचे से बाउंड लग गया तो वही जाके रुक जाएगा, तो वो हो जाएगा कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो मोनोटोन सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बॉन्डेड। ठीक है, इसका हम प्रूफ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं, इसका यूज़ करके हम आज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे होगा कि अगर हमें किसी सीक्वेंस को, अभी तक हमने सीक्वेंस की लिमिट निकाली थी, पर अगर हमें पूछा कि ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, वो निकालो या दिखाओ, तब हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है ना, कि इस अगर वो सीक्वेंस मोनोटोन है और उसको अगर हमने बॉन्डेड दिखा दिया, तो भाई बाय दिस थ्योरम वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कॉन्वर्जेंट। ठीक है, ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शो दैट द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इज इक्वल टू 1/1 factorial, 1/2 factorial, 1/3 factorial up to 1/n factorial इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो किसी भी सीक्वेंस को कॉन्वर्जेंट दिखाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मोनोटोन कॉन्वर्जेंस थ्योरम। तो मतलब हमें सीक्वेंस को क्या दिखाना पड़ेगा, मोनोटोन और बाउंडेड। ठीक है, मोनोटोन दिखाना है मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हमें बस क्या निकालना है, एस एन प्लस वन और SN निकालना है। SN प्लस वन माइनस SN करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग। वही हमने देखा था, SN प्लस वन माइनस SN ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आया तो इंक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू जीरो आया तो डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हमारा काम वही है, तो पहले मोनोटोन दिखाना फिर बॉन्डेड दिखाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, गिवन पहले जो दिया है ये सीक्वेंस है SN। ठीक है, तो पहले जो गिवन दिया है वो लिखा, ये सीक्वेंस गिवन दिया है, अब क्या निकालूंगा मैं, SN प्लस वन क्या होगा, SN में कितने टर्म है, n टर्म है, SN प्लस वन में कितने टर्म होंगे, n प्लस वन, एक और टर्म बढ़ जाएगा, मतलब 1/1 factorial plus 1/2 factorial plus 1/3 factorial plus plus so on 1/n factorial प्लस, और एक्स्ट्रा टर्म क्या आ जाएगी, 1/n+1 factorial। ठीक है, n प्लस वन टर्म में। ठीक, अब हमें क्या करना है, SN प्लस वन माइनस SN निकालना है, दिस इम्प्लाइज SN प्लस वन माइनस SN। क्या होगा, यहाँ इससे इसको माइनस करेंगे तो ये सारे टर्म ये तो यहाँ भी अवेलेबल है ना, तो इससे क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल, क्या बचेगा, 1/n+1 factorial। ठीक है, अब n क्या है, सारे नेचुरल नंबर है,
तो वन से स्टार्ट होते हैं, वन प्लस वन में जो भी होती है पॉजिटिव रहेगा ना हमेशा, पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल फिर से पॉजिटिव होगा, वैसे फैक्टोरियल पॉजिटिव नंबर का ही निकलता है, तो ये टर्म क्या होगी हमेशा पॉजिटिव, इज ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो दिस सिक्वेंस इज, सो दिस सिक्वेंस इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, दिस इंप्लाइज सिक्वेंस एस एन, देखिए पॉजिटिव आ गया ना, सिक्वेंस एस एन इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इन शॉर्ट भी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि सिक्वेंस एस एन इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, इस तरह से आपने शॉर्ट में लिखा तो भी चलेगा, सिक्वेंस इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट एम क्या है, इस सिक्वेंस को बाउंडेड दिखाना, ठीक है, इस सिक्वेंस को हमें बाउंडेड दिखाना है। अभी ये सिक्वेंस क्या दिख रही है आपको, हमेशा इसका पॉजिटिव तो है ही नहीं है सिक्वेंस, तो इसका लोअर बाउंड तो हो गया जीरो, अभी हम निकालेंगे इसका अपर बाउंड, ठीक है। अभी हम इसका निकालेंगे अपर बाउंड, लोअर बाउंड तो आ गया है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो जीरो से तो ये बड़ा रहेगा, अभी अपर बाउंड निकाल दें, ठीक है। तो इसके लिए हम एक रिजल्ट यूज करेंगे, देखिए रिजल्ट क्या है, वन अपॉन एन फैक्टोरियल विद एल विल बी लेस देन इक्वल टू वन अपॉन टू टू द पावर एन माइनस वन फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, वन अपॉन एन फैक्टोरियल ऑल विल लेस देन इक्वल टू वन अपॉन टू टू द पावर एन माइनस वन, आप पुट करके भी दे सकते हैं, एन इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो क्या आएगा, वन अपॉन वन फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू 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 द पावर वन माइनस वन मतलब जीरो, एनी थिंग टू द पावर जीरो क्या होता है वन, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा वन, तो आ गया वन लेस देन इक्वल टू वन। फिर टू पुट करेंगे तो वन अपॉन टू फैक्टोरियल, वन अपॉन टू फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू 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 द पावर टू माइनस वन मतलब वन बाई टू, ठीक है, टू फैक्टोरियल टू आ गया। एन इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल मतलब सिक्स, थ्री माइनस वन क्या आएगा टू, टू का स्क्वेयर क्या होगा फोर, वन बाय फोर विल बी ग्रेटर देन वन बाय थ्री फैक्टोरियल मतलब सिक्स, ठीक है, डिनोमिनेटर का बड़ा है, ठीक है। तो ये इक्वलिटी सेटिस्फाई होगी, तो इस रिजल्ट का यूज़ करके हम यहाँ पे इसका बाउंड निकालेंगे, ठीक है। तो नाउ कंसीडर द सीक्वेंस दिस, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, अपर बाउंड निकालना है, ठीक है। अभी हमने देखा वन अपॉन एन फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू वन अपॉन टू टू पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए वन अपॉन टू टू द पावर एन माइनस वन, ये क्या एन की जगह क्या है वन एन, यहाँ पे मतलब जीरो आएगा यहाँ पे, प्लस वन अपॉन टू टू द पावर यहाँ पे टू है, एन इजल टू है मतलब टू माइनस वन होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है वन माइनस वन, ठीक है, उसी तरह से लिखते हैं, प्लस वन अपॉन टू टू द पावर थ्री माइनस वन प्लस वन प्लस वन अपॉन टू टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है ना। इस तरह से हमने जो हिंट दी थी उसका यूज़ हमने किया, लेस देन इक्वल टू टू द पावर वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, मतलब वन बाय वन टू द पावर एनीथिंग टू द पावर जीरो क्या होता है वन, मतलब क्या मिल गया वन, फिर टू द पावर टू माइनस वन मतलब टू, तो वन बाय टू, फिर क्या मिलेगा वन बाय टू स्क्वेयर प्लस वन प्लस वन अपॉन टू टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो ये कौन सी सीरीज मिल गई आपको, ज्योमेट्रिक सीरीज, कौन सी मिल गई, ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो वन बाय टू, ठीक है। ये आपने पढ़ी थी एलेवंथ या ट्वेल्थ में पढ़ी होगी, जब आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, ठीक है, तब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है विथ कॉमन रेशियो वन बाय टू, ठीक है। तो ये कहाँ पे कॉन्वर्ज करती है, वन अपॉन वन माइनस आर के ऊपर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं लिख के देता हूँ, ज्योमेट्रिक सीरीज किस तरह से होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज इस तरह से होती है, वन प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब प्लस सो ऑन प्लस आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो आर, और ये कहाँ जाके कॉन्वर्ज करती है, वन अपॉन वन माइनस आर पे, वन अपॉन वन माइनस आर पे, जब आर लेस देन वन हो, जब आर लेस देन वन हो, यहाँ पे हमारा कॉमन रेशियो क्या है वन बाई टू विच इज लेस देन वन, तो ये कहाँ पे जाके कॉन्वर्ज करेगा, वन अपॉन वन माइनस आर पे, मतलब कहाँ पे होगा वन अपॉन वन माइनस आर, आर क्या है, फिर कॉमन रेशियो क्या है वन बाई टू, मतलब वन माइनस वन बाई टू, ठीक है। वन माइनस वन बाई टू क्या होगा, वन बाई टू मतलब हाफ मिल जाएगा, वन माइनस हाफ इज हाफ, वन बाय हाफ क्या हो जाएगा वो टू ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या आएगा आपका यहाँ पे आंसर टू, ठीक है।
तो फिर आपको यहाँ पे क्या मिल गया, दिस एस एन इज लेस देन, क्या मिल गया, टू मिल गया, दिस इज लेस देन इक्वल टू टू, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे, दिस इज लेस देन इक्वल टू टू। और सीक्वेंस का अपर बाउंड क्या था, ऑलरेडी हमारे पास ज़ीरो, ठीक है, तो सीक्वेंस यहाँ से हमें क्या मिल गई, यहाँ से सीक्वेंस क्या मिल गई, बाउंडेड। तो दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास मोनोटॉन भी हो गया और बाउंडेड भी हो गया, तो हम लिख सकते हैं देन बाय मोनोटॉन कॉन्वर्जेंस थ्योरम द सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट, ठीक है, हो गया। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सीक्वेंस एस एन इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री प्लस वन, थ्री स्क्वायर प्लस वन, प्लस वन अपॉन थ्री टू द पावर एन प्लस वन इज मोनोटॉनिक एंड बॉन्डेड। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, शो दैट दिस सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें बोला ये कि हमें इसको मोनोटॉनिक और बॉन्डेड दिखाना है, तो भाई मोनोटॉनिक कॉन्वर्जेंस थ्योरम वो कॉन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वही जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमने किया उसी तरह से इसको करेंगे, पहले मोनोटॉनिक दिखाना है मतलब एस एन प्लस वन निकालना है और माइनस करना है, इससे अगर पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग, फिर निकालेंगे उसका बाउंड, ठीक है। तो पहले निकालते हैं मोनोटॉनिक, ठीक है। तो गिवन जो सीक्वेंस है उसे लिख दिया, फिर क्या निकालेंगे हम एस एन प्लस वन, हर क्वेश्चन को इसी तरह से करना है, ठीक है। फिर से एस एन में एन टर्म है, एस एन प्लस वन में कितना टर्म आएगी, एक और टर्म ऐड हो जाएगी, मतलब ये फिर से यही रिपीट होगा, वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन सेम फिर से रिपीट होगा, प्लस वन अपॉन थ्री टू द पावर एन प्लस वन, प्लस वन अपॉन थ्री टू द पावर एन प्लस वन प्लस वन, ये आ जाएगा, ठीक है। एस एन प्लस वन माइनस एस एन करेंगे तो ये इतनी सारी, ये और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल, क्या बचेगा, ये लास्ट टर्म बचेगी, एस एन प्लस वन माइनस एस एन, क्या मिलेगा, वन अपॉन थ्री टू द पावर एन प्लस वन प्लस वन, ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सारा नंबर पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये पूरी टर्म क्या आ गई, पॉजिटिव फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एस एन प्लस माइनस एस एन क्या मिल गया आपको, पॉजिटिव। तो क्या होगा, सिक्वेंस मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, उसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, सिक्वेंस एस एन इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो एरो मैंने ऊपर लिख दिया, सिक्वेंस इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग। अभी हमें क्या दिखाना है, सिक्वेंस को बाउंडेड दिखाना है, ठीक है। तो अभी इसका हम बाउंड निकालेंगे, कैसे करना है, तो ठीक है, तो वही आपको बस एडजस्टमेंट करना है। अब यहाँ पे देखिए, हर टर्म के लिए अगर हमें बाउंड निकालना है, जैसे हमने सैंडविच थ्योरम के टाइम में क्वेश्चंस किए थे, तो हम सबसे बड़ी टर्म सबसे छोटी टर्म ऐसे निकालते थे और उसकी फिर लिमिट निकालते। अभी यहाँ पे हमें लिमिट नहीं निकालनी, यहाँ पे हमारा हमें बाउंड निकालना है बस। तो सबसे इजीली से इजीली जैसे बाउंड निकल जाए वैसे हम निकालेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका फिर से, इसका लोअर बाउंड हमेशा फिर से क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है ना वो, तो ये जीरो से हमेशा बड़ा रहेगा। अब निकालना रहा अपर बाउंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट ले सकता हूँ, अपर बाउंड वन अपॉइंट थ्री प्लस वन के लिए, इसके लिए ले सकता हूँ अपर बाउंड वन बाई थ्री ले सकता हूँ ना, इसके लिए क्या ले सकता हूँ, अपर बाउंड वन अपॉइंट थ्री स्क्वायर, डिनोमीटर मैंने कम कर दिया इसका, प्लस वन हटा दिया तो वन अपॉइंट थ्री स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे वन अपॉइंट थ्री टू द पावर एन। तो देखिए फिर से वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री क्यूब, इस तरह से ये ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना कि हमें ज्योमेट्रिक सीरीज अगर मिल रही है तो उसको निकालना है, फिर ज्योमेट्रिक सीरीज का हमें कॉन्वर्जेंस पता है, वन अपॉन वन माइनस आर पे होता है, ठीक है। नाउ मैं इसका बाउंडेडनेस चेक करूँगा, कैसे करेंगे हम, इज लेस देन इक्वल टू वन बाय थ्री, ठीक है, प्लस इसके लिए क्या लूँगा मैं वन बाय थ्री स्क्वायर, इसके लिए क्या लूँगा फिर वन बाय थ्री क्यूब, इस तरह से चलता जाएगा, प्लस वन अपॉन थ्री टू द पावर एन, ठीक है। क्या आ जाएगा इनमें सबसे, सब में से कॉमन क्या आ जाएगा, वन बाय थ्री, तो लेस देन इक्वल टू वन बाय थ्री कॉमन आ गया, क्या मिल गया, वन प्लस वन बाय थ्री, वन बाय थ्री इंटू वन बाय थ्री स्क्वायर, ठीक है, तो वन बाय थ्री स्क्वायर, इस तरह से कंटिन्यू मिलेगा, वन अपॉन थ्री टू द पावर एन माइनस वन, एक वन बाय थ्री बाहर आ गया ना, ठीक है। फिर ये कहाँ पर जाके कॉन्वर्ज करेगा, वन बाय थ्री तो बाहर आ गया, ये क्या आ गया आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशो वन बाय थ्री, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज तो पता है ना, जहाँ पे रेशो रेशो बढ़ता जा रहा है, जैसे यहाँ वन बाय थ्री, वन बाय थ्री मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है ना, वन बाय थ्री बाय वन, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री स्क्वायर बाय वन बाय थ्री, वन बाय थ्री, इस तरह से रेशो रेशो बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, वन बाय थ्री कॉमन, क्या आ जाएगा ये बाहर से, वन अपॉन वन माइनस वन बाय थ्री, ठीक है ना, और ज्योमेट्रिक रेशियो ये वन बाई थ्री बाहर का आ गया,
ठीक है, तो क्या मिल गया ये 1/3 ऊपर नीचे, 3 - 1/3 मतलब 2/3, 3 कैंसल, क्या मिल गया 1/2। ठीक है, तो हमें सीक्वेंस का अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या मिल गया, SN लाइज बिटवीन 0 to 1/2। ठीक है, 1/2 अभी हमने निकाला, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, द सीक्वेंस SN इज बाउंडेड, ठीक है, देन बाय मोनोटोन कॉन्वर्जेंस थ्योरम दिस गिवन सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो समझ में आ गया, हमने पहले सीक्वेंस को मोनोटोन दिखाया फिर बाउंडेड दिखाया। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सीक्वेंस SN गिवन बाय SN इज इक्वल टू 1/(n+1)/(1/(n+2)/(1/(n+n) कॉन्वर्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे इस सीक्वेंस को हमें कॉन्वर्जेंट दिखाना है, कॉन्वर्जेंट दिखाना है मतलब मोनोटोन और बाउंडेड दिखाना है, देन बाय मोनोटोन कॉन्वर्जेंस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, कॉन्वर्जेंट। तो फिर से SN+1 - SN निकालेंगे। ठीक है, तो गिवन ये सीक्वेंस दिया है, अभी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अभी इतने क्वेश्चन कर लिए हमने, SN+1 बताओ SN+1 क्या होगा, हर जगह अभी यहाँ पे n टर्म्स थी, N+1 टर्म, अभी यहाँ पे हर जगह n है, वहाँ पे बस लास्ट टर्म n था, अभी इसलिए मैं इसको लास्ट में लिया, हर जगह n है, तो हर जगह क्या आ जाएगा, N+1। ठीक है, तो क्या बनेगा ये N+1+1 + 1/(n+1)/2, ठीक है, प्लस सो ऑन प्लस 1/(n+1)/(n+1)। ठीक है, ओके, क्या मिल गया यहाँ पे 1/(n+1)/(1)/(n+2) प्लस 1/(n+3)। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू चलेगा, प्लस अब यहाँ देखो लास्ट टर्म n+n क्या होगा, 2n, और 1+1 2, मतलब क्या मिल गया यहाँ पे, प्लस 1/(2n+2)। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक एक नंबर से बढ़ रहा है ना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से इसके पहले की टर्म क्या रहेगी, 1/(2n+1), इसके पहले की टर्म क्या होगी, 1/(2n). ठीक है ना, इसी तरह से रहेगा, एक एक से कम होता जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे हम, SN+1 - SN, हर क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। देखिए यहाँ से इसको माइनस किया, तो n+2 से लेके n+n, ये 2n मतलब क्या है, 2n मतलब ही क्या है, n+n ही है ना, n+n को ये लिख सकते हैं मैं 2n। ठीक है, तो ये इतना टर्म पूरा और ये इतना टर्म पूरा क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, दिस माइनस दिस। ठीक है, तो क्या बचेगा, 1/(2n+1)/(1/(2n+2) माइनस ये टर्म बचेगा बस, -1/(n+1)। ठीक है, अब देखिए 1/(2n+1)+ यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 1/2 कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे, 1/(n+1)। ठीक है ना, 1/(n+1) भेजा, और ये माइनस क्या हो गया, n+1 फिर से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या मिल गया, हाफ टाइम्स ऑफ n+1 - 1 टाइम्स ऑफ n+1, तो हाफ माइनस वन क्या होगा, फिर से हाफ, तो फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ माइनस वन मतलब -1/(n+1) मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं कैसे लिखा है मैंने, देखिए क्या था यहाँ पे, 1/2 1/(n+1) था, और -1/(n+1) था, 1/(n+1) कॉमन आ जाएगा, देखिए 1/(n+1) कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 1/2 - 1। ठीक है ना, तो 1/2 - 1 - हाफ, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, -1/2, वही लिखा मैंने, -1/2, मतलब इसी का मतलब क्या है, 1/2 × 2n+2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/(2n+1) है, -1/(2n+2), ये टर्म इससे छोटी है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इससे बड़ा है, यहाँ पे 2n+1 है और यहाँ पे 2n+2 है, तो इसका डिनोमिनेटर इससे बड़ा है, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल इससे छोटा है, ये सब हमने सैंडविच थ्योरम के टाइम डिस्कस किया था, तो ये बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म माइनस छोटी टर्म करेंगे तो हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, तो फिर ये टर्म क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है,
तो इससे फिर मुझे क्या मिल गया, एस एन प्लस वन माइनस एस एन इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाइज सिक्वेंस इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग. तो दिस इम्प्लाइज सिक्वेंस एस एन इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग. ठीक है, अब निकालेंगे हम इसका बाउंड. ठीक है, तो अभी जो सिक्वेंस लिए उसको उस तरह से लिखा मैंने, गिवन जो है. अभी फिर से मैं इसको बाउंड लिखा, जैसे इसके पहले क्वेश्चन था 3+1 3² + 1, उसी तरह से यहाँ पे भी सेम उसी तरह से बाउंड निकालेंगे. ठीक है, लेस देन इक्वल टू, इसके लिए क्या लेंगे, 1/ ले सकता हूँ, इससे डिनोमिनेटर छोटा कर दिया तो नंबर बड़ा हो जाएगा. ठीक है, प्लस 1/, अब हर जगह के लिए मैं एन एन ले लेता हूँ, ताकि फिर जब मैं एडिशन करूँगा तो वो इजिली सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पे तो कोई ज्योमेट्रिक सीरीज मिलने नहीं वाली, तो ये भी इससे बड़ा है 1/n, सेम लास्ट तक 1/n. ठीक है ना, क्योंकि हमने डिनोमीटर से 1 ये 2 ये हटा दिया, डिनोमीटर और मैंने छोटा कर दिया, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो हर एक नंबर से बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो ये 1/n कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ 1/n, 1/n n टाइम्स आ गया, तो इसलिए n इंटू 1/n आ गया. ठीक है, n इंटू n क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या मिल गया, 1. ठीक है, फिर से सीक्वेंस जिस तरह से इसके पहले किया, हमेशा पॉजिटिव है, तो सीक्वेंस का यहाँ पर बाउंड क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड. सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड. तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम, देन बाय मोनोटोन कॉन्जस थ्योरम, देन बाय मोनोटोन कॉन्वर्जेंस थ्योरम, जो अभी हमने पढ़ा था, सीक्वेंस एस एन इज कॉन्वर्जेंट. ठीक है, तो सबसे पहले हम सीक्वेंस को जो भी दिया उसका एन प्लस वन टर्म निकालेंगे, आगे का टर्म निकालेंगे, एस एन प्लस वन माइनस एस एन करेंगे, और पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग. ठीक है, उसके बाद उसका बाउंड निकालेंगे. तो बाउंड निकालने के लिए आपको फिर वहाँ पे सीरीज के अकॉर्डिंग वहाँ पे एडजस्टमेंट करना होगा. अगर वहाँ पे अगर कुछ आपको लॉ पे दिख रहा है तो उसको जितना इजीली हो सके उतना उसका इजीली बाउंड निकाल लो, और अगर वो बाउंडेड हो गया तो सिक्वेंस क्या हो जाएगा, कॉन्वर्जेंट. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मोनोटोन कॉन्वर्जेंस थ्योरम का प्रूव करेंगे और छोटे रिजल्ट करेंगे, और एक आधा इंटरेस्टिंग और एक क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो आज का एक सारे क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गए होंगे तो इसको आप फिर से खुद से करके देख लीजिएगा. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में.